आज मैं इतनी यम्मी और टेस्टी सब्जी बनाने वाली हूँ ना, जो कि हम सबकी फेवरेट होती है। यस, ये है न्यूट्रेला की सब्जी। न्यूट्रेला जो कि प्रोटीन से ना बहुत ही रिच होता है, और अगर आप वेजिटेरियन है ना तो न्यूट्रेला, सोया, इन सबको ना आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। सो वेलकम बैक टू हेल्दी डाइट आरू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सारी रेसिपीज़ को इन्जॉय कर रहे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, और हाँ, अच्छा अच्छा बनाकर खा भी रहे होंगे। सो आज ना मैंने सोचा कि न्यूट्रेला की सब्जी बनाई जाए। मुझे ना बहुत पसंद है, मैं न्यूट्रेला को ना या तो बिरयानी में डाल के बना लेती हूँ या फिर उसकी नॉर्मल सब्जी बना लेती हूँ, क्योंकि वो ना हमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा दे देता है। तो आप लोग भी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज से अपनी डाइट में न्यूट्रेला को ज़रूर शामिल करेंगे। इसको बनाना बहुत आसान है। इसके लिए मैंने ले ली है लोहे की कढ़ाई, और लोहे की कढ़ाई में हम सबसे पहले क्या करेंगे, मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, और उसको मैंने जो तेल है ना, जो ऑयल था, उसको मैंने चारों तरफ अच्छे से मतलब स्प्रेड कर दिया है, जिससे कि जब मैं इसमें न्यूट्रेला भूनूंगी है ना, न्यूट्रेला को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे तो वो अच्छे से भुन भी जाए, रोस्ट हो जाए, और कढ़ाई पे ना चिपके ना, है ना। अब उस ये जो न्यूट्रेला है ना, एक्चुअली मैंने इसको थोड़े से पानी में सोख करके थोड़ी देर रख दिया था, उसके बाद इसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया था, इसमें बिल्कुल पानी नहीं रहा था। अच्छा, इसमें ना एक ट्रिक है कि अगर आपको, जैसे ये वाला जो न्यूट्रेला है ना वो बड़ा वाला है, है ना, बट एक छोटा न्यूट्रेला भी आता है जिसका साइज़ ना इस वाला, ये जो साइज़ है इससे थोड़ा सा कम होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार, इसका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा है, तो आप इसको रोस्ट करने से पहले ना इसको चार पीसेस में काट लो, मतलब स्क्वीज़ करने के बाद, पानी से स्क्वीज़ करने के बाद इसको चार पीसेस में काट सकते हो या फिर दो पीसेस में भी काट सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार बहुत बड़ा बड़ा न्यूट्रेला हो रहा है और हमको उसको थोड़ा सा छोटा करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो। बट मेरे को आज ऐसे ही बनाना था तो मैंने इसको काटा नहीं, और जब हमारा ये अच्छे से भुन जाएगा, मैंने इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया था, और रोस्ट करके ना इसका स्वाद ना मतलब बहुत अच्छा बन जाता है और बढ़ जाता है। तो इसमें मैंने इसके बाद थोड़ा सा डाला मस्टर्ड ऑयल, और उसमें मैंने डाला जीरा, और थोड़ी सी मैंने डाला था मेथी दाना, और थोड़ा सा मैंने डाला हींग। इसके अलावा मैंने इसमें ये डाला है पेस्ट। ये किस चीज़ का पेस्ट है? ये है पेस्ट, इसमें एक प्याज है, दो हरी मिर्च है यानी ग्रीन चिली, इसके अलावा थोड़ा सा आधा इंच अदरक अदरक था, और चार पांच लहसुन की कलियां। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, इसका पेस्ट बना लिया था, और जब वो मेरा अच्छे से भुन गया ना पेस्ट, तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया, ये है मेरी दो टमाटर की प्यूरी, है ना। तो वो अच्छे से उसको भी प्यूरी बना के और टमाटर की डाल दी थी। बट अगर आपको लाइक कट करके डालना ना स्मॉल पीसेज में, तो आप वैसे भी डाल सकते हो, बट मेरे को आज इसको ऐसे ही बनाना था तो मैंने इसको ऐसे ही बनाया। और इसमें एज यूजुअल हम बहुत कम मसाले यूज़ करने वाले हैं, तो इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रॉक सॉल्ट, और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है गरम मसाला। यस, और हमारी सब्जी ना हो जाएगी इसी मसाले में तैयार। बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, लेस ऑयल और लेस मसालों में अगर आप खाने की आदत बना लोगे ना, तो ट्रस्ट मी मतलब हेल्दी लाइफ तो होगी ही आपकी, और अच्छी हैबिट्स ना आप अपनी आगे वाली जनरेशन में भी इनकलकेट कर दोगे। तो यहाँ पर जब मेरा मसाला वो भुन गया, उसके बाद मेरी है ये है बरी, इसको हम बरी बोलते थे मतलब पहले, अब तो हम ठीक है न्यूट्रेला व्यूट्रेला बोलने लगे हैं, ठीक है, मतलब ऑल दो नाम तो इसका न्यूट्रेला ही है इंग्लिश में। तो इसको मैंने डाल दिया, और इसके अलावा मैं इसको आज एक्चुअली राइस के साथ बनाने वाली हूँ, तो मैंने इसमें डाला है अच्छा सा पानी। बिकॉज क्या होता है, जो पानी होता है ना, ये जो न्यूट्रेला होता है, ये सोक करता है अपने अंदर, है ना। तो ये जितना बड़ा अभी दिख रहा है ना, थोड़ा सा पानी सोक करने के बाद ये और ज़्यादा फूल जाएगा, है ना, स्वेल कर जाएगा। तो इसलिए मैंने इसमें अच्छा सा पानी डाला है। और अगर आप इसको सूखा भी बना सकते हो, अगर आपको खाना है ना जैसे चपाती के साथ खाना है, तो आप सिंपल हल्का सा पानी डाल के और बस इसको सूखा भी बना सकते हो। बट मेरे को इसको राइस के साथ बनाना था, और मुझे को थोड़ा सा राइस के साथ अच्छा लगता है ऐसे, मतलब थोड़ा ग्रेवी वाला और थोड़ा सा लिक्विड लिक्विड सा, तो मैंने इसको ऐसे बनाया। और ट्रस्ट मी, ये तो मेरा है बेस्ट पार्ट, ये है हरा धनिया। मैंने इसको डाल दिया, इसमें डाल दिया हरा धनिया, और हरे धनिया से जो खुशबू आती है ना, और जो सब्जी में चार चांद लग जाते हैं ना, उसको तो केवल हम ही लोग ही समझ सकते हैं जो कि धनिया के शौकीन है। तो बस यहाँ पर मेरी हो गई है न्यूट्रेला की सब्जी तैयार। बहुत ईजी है, प्रोटीन से रिच है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें प्रोटीन होता है, और इधर उधर प्रोटीन के लिए ना भागने की ज़रूरत नहीं है कि यार प्रोटीन किसमें होगा, क्या करें, कैसे खाएं, स्प्राउट्स खाए नहीं जाते, क्योंकि ये होता है ना कि स्प्राउट्स ज़्यादातर सबसे नहीं खाए जाते, तो ये है ना कितना अच्छा लगता है। और इवन मतलब बहुत सारे लोग तो मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि जिनको नॉनवेज नहीं खाते, तो वो लोग ना इसको एज आ नॉनवेज की तरह यूज़ करते हैं, मतलब इसमें थोड़ा सा वो वैसा वाला वो आता है ना खिंचाव सा।
तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत इजी थी, बहुत हेल्दी थी, हेल्दी तरीके से हमने बनाई है। और आप बने रहना मेरे साथ, मैं जल्दी शेयर करने वाली हूँ एक बहुत अच्छी और यम्मी सीरीज़। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।